All, welcome to the video lecture series of integrated circuit. Subject code is KC501, and here we are in lecture number 2. So in previous lecture we have covered operational amplifier. हम लोगों ने start किया था operational amplifier basic, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था operational amplifier क्या होता है, basic block diagram क्या है, operational amplifier का सिंबल क्या है जो हमें यूज करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट इज द आईसी यूज फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज IC741। जी हाँ, हमने लास्ट सेशन में बात किया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या यूनिटी फॉलोवर को कैसे बना सकते हैं, मीन्स सर्किट कैसे बनाना है, उसका आउटपुट वोल्टेज कैसे ड्राइव करना है या गेन कैसे ड्राइव करना है, ये सारा का सारा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। तो अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर नहीं किया है, द फर्स्ट वन, द बेसिक वन, जिसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग मैंने समझाया है, तो आप उसे पहले पढ़ लें, क्योंकि जो आगे के लेक्चर्स हैं वो सभी उन्हीं दोनों लेक्चर्स पे बेस्ड, उसी इन्हीं दो टॉपिक्स पे बेस्ड हैं। तो अगर आपको वो दो टॉपिक क्लियर होंगे तो आप बहुत ईजिली आगे का पार्ट समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अनदर एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज हम एडर की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं सिंपली समिंग एम्पलीफायर, हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात करेंगे और सबट्रैक्टर की बात करेंगे। ओके, तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं समिंग एम्पलीफायर। नाउ समिंग एम्पलीफायर, जैसे कि सर्किट मैंने यहाँ पे बना रखा है, कोई नया सर्किट नहीं है। देखिए, मैं फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ कि ये जो पोर्शन था, दिस पोर्शन इज माय बेसिक पार्ट। क्या क्या है, एक हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाया, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे दो इनपुट लगा दिए, वन इज नेगेटिव वन इज पॉजिटिव, वन इज द फीडबैक रेजिस्टर, दिस इज RF एंड देयर इज द आउटपुट वोल्टेज V0। तो ये पोर्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इतना पोर्शन तो आपका हर बार रहेगा ही रहेगा। ओके, नाउ अब हम बोल रहे हैं समिंग एम्पलीफायर, तो एम्पलीफिकेशन के साथ साथ इसे सम करना है। अब सम कैसे करेगा, सम करने के लिए एक से ज्यादा इनपुट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी तक हमने जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया था तो इस नेगेटिव टर्मिनल पे केवल एक ही ब्रांच को लगाया गया था, दैट इज V1 विद रेजिस्टेंस R1 एंड दिस ओपम कनेक्टेड। ये दो ब्रांच नहीं थी आपके पिक्चर, ठीक है, ये से भूल जाइए। तो इन्वर्टिंग बन गया। अब जब मुझे इसे समिंग बनाना है तो मैंने क्या किया, एक ब्रांच तो मेरे पास ऑलरेडी थी, एक से ज्यादा इनपुट को लगाते हुए यहाँ मैंने एक V2 इनपुट लगा लिया विद रेजिस्टेंस R2 एंड देयर इज अ V3 इनपुट With resistance R3, जो कि आपके same node पे आके join होते हैं। So now there are more than one input values, या आप कह सकते हैं कि एक से ज्यादा वोल्टेज आपके इनपुट पे अवेलेबल है, जिसे हमें amplification भी करना है और साथ के साथ ये इन्हें add भी करेगा। That's why we called it summing amplifier or simply called adder. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एनालिसिस। एनालिसिस में जैसा कि हमने बताया था, मैं आउटपुट वोल्टेज को ड्राइव करना है, जिसके बेस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि हाँ, ये जो मैंने सर्किट यहाँ पे लिखा है या जो बना है वो सर्किट एज अ समिंग एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। तो आउटपुट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा था, सबसे पहला स्टेप था जी हाँ, हम नेगेटिव नोड पे क्या वोल्टेज है उसको कैलकुलेट करते हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड, यूजिंग व्हाट, यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, नेगेटिव नोड की वोल्टेज किसके इक्वल होती है, पॉजिटिव नोड की वोल्टेज की। तो अगर आप इस सर्किट को देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव नोड पे वोल्टेज मैंने कितनी मानी है, VA, तो दैट VA इज इक्वल टू द पॉजिटिव नोड वोल्टेज, और पॉजिटिव नोड पे वोल्टेज कितनी है, जीरो। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा सिंपली VA इज इक्वल टू जीरो वोल्ट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। ओके, सो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड VA इज इक्वल टू जीरो वोल्ट। So, first step is clear. First step हो गया, negative terminal voltage मुझे मिल गया, ठीक है? Now the second step is what? We have to apply the KCL on this node. We have to apply KCL on this particular node. इस node पे KCL apply करना है. तो जब इस node पे KCL apply करना है, तो that means sum of incoming equals to sum of outgoing. अब की बार अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक से ज्यादा ब्रांच है, तो एक करंट यहाँ पे इनकमिंग हो गया, एक करंट ये इनकमिंग हो गया, एक करंट ये इनकमिंग हो गया, and then this is the outgoing current, this is the outgoing. तो अगर मैं से 1 बोलता हूँ, से I2 बोलता हूँ, एंड दिस इज I3 एंड दिस इज सपोज 4, तो व्हाट इज माय KCL, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। ओके, इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे KVL लगाया, KCL लगा दिया है, तो अप्लाई KCL एट नेगेटिव टर्मिनल, व्हाट वी गेट I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब अगर मैं I1 की वैल्यू लिखूंगा, तो हमने वैल्यू कैसे लिखी थी, जी हाँ, वैल्यू लिखी थी
initial voltage minus final voltage. Final voltage is what? VA divided by this particular resistor. So initial voltage is V1. So here हमने लिखा V1 minus VA divided by R1. Similarly, अगर मुझे I2 के लिए लिखना है तो इनिशियल वोल्टेज हो गया हमारे पास V2, इनिशियल वोल्टेज हमारे पास क्या हो गया V2, फाइनल वोल्टेज क्या हो गया VA minus divided by this resistance R2, so V2 minus VA divided by R2. Okay. Similarly, the third one V3, initial voltage minus VA final voltage divided by R3. So this is V3 minus VA divided by R3. So all these currents we have written I1 plus I2 plus I3. Last, this is the outgoing current जो हमने लिखा था. This is initial voltage VA minus final voltage is V0 divided by this RS. So VA minus V0 divided by R. So we get this equation. Now from this equation we have to calculate what? We have to calculate the value of V0. हमें आउटपुट को कैलकुलेट करना है और हमें क्या पता है, हमें पता है VA की वैल्यू कितनी है, जीरो. तो यहाँ इन सभी में जैसे ही आप VA को जीरो पुट करेंगे तो दिस विल बिकम सिंपली V1 by R1. So this is V1 by R1. This is V2 by R2. This is V3 by R3. और यहाँ पे बचेगा माइनस वी नॉट बाई आर एफ, माइनस वी नॉट बाई आर एफ. तो अल्टीमेटली मुझे वी नॉट कैलकुलेट करना है तो जो माइनस आर एफ है वो इधर मल्टीप्लाई हो गया. दिस विल बिकम माइनस आर एफ बाई वी वन, दिस विल बिकम माइनस आर एफ बाई आर टू वी टू, एंड दिस विल बिकम माइनस आर एफ बाई आर थ्री. ओके, नाउ सी दिस स्टेटमेंट, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर वी वन. जब मेरे पास सिंगल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था तो मुझे आउटपुट क्या मिला था, मुझे आउटपुट मिला था केवल वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर वन वी वन. ओके, बट नाउ वी हैव मोर देन वन ब्रांच, तो सेम उसी फैशन में देखिए माइनस आर एफ बाई आर टू वी टू एड हो गया और माइनस आर एफ बाई आर वन वी थ्री एड हो गया. ये माइनस साइन यहाँ क्यों आया है, ये माइनस साइन यहाँ इसलिए आया बिकॉज आपने इनपुट किस टर्मिनल पे अप्लाई किया है, वी आर अप्लाइंग ऑन नेगेटिव टर्मिनल, हम लोग नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमारे आउटपुट में यहाँ पे क्या मिला है हमें, नेगेटिव वैल्यू. इसी तरह से आप इसका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बना सकते हैं. उस केस में ये जो वैल्यू है, ये जो सर्किट है, आप इस सर्किट को यहां से यहां कनेक्ट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पे, एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल बिकम्स ग्राउंडेड. ठीक है, तो आप इसका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी सॉल्व कर सकते हैं, आप उसका आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं इन द सिमिलर वे. ओके, नाउ यहाँ पे एक सिंपल सी चीज लिखी है कि अगर हमने दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल मान लिया, मीन्स आर एफ इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री, अगर हम बोले सारे के सारे रेजिस्टेंस आपके इक्वल हैं, देन इन दिस केस दिस वी नॉट कैन बी रिटन एज माइनस कॉमन वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. तो इन दिस केस दिस एक्सप्रेशन शोज मी वॉट, दिस एक्सप्रेशन शोज मी ओनली एडिशन, कोई एम्पलीफिकेशन नहीं है, बट इस एक्सप्रेशन में एम्पलीफिकेशन है क्योंकि यहाँ पे आपकी इनपुट वोल्टेज इस एम्पलीफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, बट अगर मैं सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 कर देता हूं, दैट मींस दीज ऑल आर इक्वल, दैट मींस कि v0 जो हमारा इक्वल हो जाएगा, दिस इज सिंपली कॉल्ड v1 plus v2 plus v3, जो कि ये शो करता है कि यहां पे जो आउटपुट है दिस इज द सम ऑफ अप्लाइड इनपुट, यानी कि सम. तो ये प्रूव हो रहा है यहां पे कि ये जो आपका सर्किटरी है, ये सर्किटरी आपका एज अ समर या एज एन एडर वर्क कर रहा है. ओके, तो आई थिंक समिंग एम्पलीफायर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. वापस से सर्किट बनाइए, एक बार आप दोबारा से स्टेप्स कर सकते हैं, समिंग एम्पलीफायर और क्लियर हो जाएगा. एंड प्लीज ट्राई अ नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, बिकॉज़ सम टाइम इन पेपर और इन समवेयर दे विल आस्क डिजाइन द नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर. सो नॉन इन्वर्टिंग के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस सर्किटरी विल अप्लाइड ओवर दिस पॉजिटिव. ओके, सो दिस इज द समिंग एम्पलीफायर होल इंट्रोडक्शन. Next, so the next application is now differential amplifier. Next application is differential amplifier. जैसे कि मैंने first lecture में बताया था कि op-amp के अंदर हमारे पास दोनों input terminal होते हैं. अभी तक हमने बात की कि अगर मैंने negative terminal पे voltage लगाया, that is called inverting amplifier. अगर मैंने positive terminal पे voltage लगाया, then it is called non-inverting amplifier. But अब हम बात कर रहे हैं कि हमने दोनों ही terminal पे voltage apply की है, then in this case ये क्या amplify करेगा? ये एम्पलीफाई करेगा दोनों इनपुट के डिफरेंस को. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डिफरेंशियल एम्पलीफायर. रिमेंबर दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग डिफरेंशिएशन, आई एम टॉकिंग जस्ट डिफरेंस एम्पलीफिकेशन. ओके, सो दिस इज अ सर्किट फॉर डिफरेंशियल एम्पलीफायर. कुछ नहीं किया है, देखिए वही बेसिक ऑप एम्प है, वही आपके एक फीडबैक रजिस्टर है और यहाँ पे दो टर्मिनल आपके लगे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आर वन के साथ एक वोल्टेज लगी है, यहाँ पे आपका चेंज है कि यहाँ पे सेकंड वोल्टेज V1 लगा है, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज द रेजिस्टेंस R2. वन थिंग
ये आपका सर्किटरी फ्रीज्ड है. नाउ दिस इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट. यहाँ पे ये R1 सेम है, R1 R1 के सेम होता है, मींस ये दो रेजिस्टेंस आपके इक्वल है, और ये R2 इस R2 के इक्वल होता है, तभी ये आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर वर्क करेगा. मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको इस टाइप का सर्किटरी बनी आ सकती है, बट ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर तभी कहलाएगा व्हेन दिस R1 इज इक्वल टू दिस R1 एंड दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस. ऑलवेज रिमेंबर. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप था, व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस नेगेटिव टर्मिनल. इस नेगेटिव टर्मिनल पे क्या वोल्टेज बनती है? और वोल्टेज हम कैसे निकालते थे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज है वही वोल्टेज मेरी इस नेगेटिव टर्मिनल में पहुंच जाएगी ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड. ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड. तो अगर मैंने यहाँ पे बोला दिस वी ए एंड दिस वी बी, तो वी ए इज इक्वल टू व्हाट? वी ए इज इक्वल टू simply VB due to virtual ground. ये मुझे पता चल गया. Now, what is the value of this VB? What is the value of this VB? अब क्या VB मेरा जीरो है या VB मेरा V1 के इक्वल है? I will take a pause because मैं आपको एक मिनट के लिए सोचने के टाइम दे रहा था कि यहाँ पे VB जो है वो ग्राउंड के इक्वल होगा या V1 के इक्वल होगा. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ ने सोचा होगा, कोई सोचा होगा V1, कोई सोचा होगा ग्राउंड, और कुछ ने सही सोचा होगा जो कि ना तो VB आपका V1 के इक्वल है और ना ही ग्राउंड के इक्वल. बिकॉज़ यहां अगर वोल्टेज V1 थी तो देयर विल बी सम ड्रॉप ओवर हियर. यहां पे कुछ ड्रॉप हुआ है और ड्रॉप होने के बाद हमें यहां VB मिलता है. VB में ड्रॉप होने के बाद यहां पे मेरा वोल्टेज हो जाती है जीरो. सो दैट मींस VB ना तो मेरा V1 के इक्वल है और ना ही ग्राउंड के इक्वल है. बट one thing is sure कि VA is equal to VB, but what is the value of VB? तो पहले मुझे इस circuitry में इस VB को calculate करना पड़ेगा कि what is the value of this VB. So VB को कैसे calculate करूँगा? Simple है. आप यहाँ पे KCL consider कर लीजिए. I will take it as incoming branch I1 and take it as an outgoing branch that is I2. ठीक है? तो ये op amp की branch है. इसमें कोई current flow नहीं करता है. जैसे कि हमने पहले ही बोला है, तो यहाँ पे कोई current consider नहीं होगा. So I can simply say it, I1 is equal to I2. और जैसे आप I1 is equal to I2 लिखते हैं, then apply the fundamental. I1 value, initial voltage is V1 minus final voltage is VP divided by R1 is equal to I2 की value similarly हो जाएगी VP minus final voltage is 0 divided by R2. So अगर इस equation को आप solve करेंगे तो यहाँ से आपको VP निकल के आ जाएगा कि VP is equal to R2 by R1 plus R2. Here it is VP. ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है. तो VB इज इक्वल टू R2 बाय R1 प्लस R2 इनटू V. ओके, मैंने स्टेप क्यों किया? बिकॉज़ मुझे वर्चुअल ग्राउंड से ये तो पता है कि VA इज इक्वल टू VB होगा, बट VB की वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता. तो सिंपल, जहां मुझे वैल्यू नहीं पता, अप्लाई द KCL. तो जैसे ही आपने यहाँ KCL अप्लाई किया, दिस इज द इनकमिंग, दिस इज द आउटगोइंग. सो V1 माइनस VB डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू VB माइनस 0 डिवाइड बाय R2. इसको आपने सॉल्व किया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ VB, जो कि अल्टीमेटली किसके ऊपर पहुंच जाएगी? VA के ऊपर पहुंच जाएगी, बिकॉज़ ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड ऑब्जेक्ट. ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस VA. ओके, नाउ द सेकंड स्टेप इज व्हाट? अप्लाई द KCL एट नेगेटिव नोड. इस नेगेटिव नोड पे तो मुझे KCL लगाना ही लगाना है. ठीक है, सो दिस इज द इनकमिंग करंट, दिस इज द आउटगोइंग करंट. आई विल लेट, सपोज दिस इज I3, बिकॉज़ I1 I2 आप पहले लेट कर चुके हैं, दिस इज I4. तो यहां पे KCL क्या बनेगा? I3 is equal to I4. Now, what is the value of I3? So, अगर I3 क्या value लिखेंगे, तो initial voltage is V2 minus final voltage is VVA divided by R1 is equal to I4 VA minus V0 divided by R2. अब यहाँ से आपको expression solve करना है. तो हमने VA वाले term एक साथ ले लिए. देखिए यहाँ पे भी VA है, यहाँ पे भी VA है. तो मैंने VA वाले term एक तरफ लिखे और ये हमने VA को करा यहाँ पे club. VA को क्लब करने के बाद आपने वैल्यू VA की पुट कर देनी है. वैल्यू ऑफ VA इज इक्वल टू R2 बाय R1 प्लस R2 इनटू V. तो जैसे ही आप यहां पे VA की वैल्यू वाली पुट करेंगे, एंड देन यू कैन सॉल्व एंड फाइनल यू विल गेट V0 इज इक्वल टू R2 बाय R1 इनटू V1 माइनस V. ओके, तो आप यहां वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसे सॉल्व कीजिए कि आप आउटपुट एक्सप्रेशन पे पहुंच पा रहे हैं. सो वंस यू गेट द आउटपुट एक्सप्रेशन, नाउ दिस आउटपुट एक्सप्रेशन शोज मी व्हाट? This output expression gives me what? R2 by R1 V1 minus V2. So, यहाँ पे क्या हो रहा है? V1 minus V2 represent what?
that is the difference between two inputs. दो इनपुट का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, और डिफरेंस भी कैसे हो रहा है ये देखिएगा, जो टर्मिनल आपका जो वोल्टेज आपके पॉजिटिव टर्मिनल पे लगी है दैट इज V1, तो V1 का साइन यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव, और जो टर्मिनल जो वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल पे लगी है दैट इज V2, यहाँ पे V2 का साइन कैसा है नेगेटिव। तो कई बार होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर हम यहाँ पे V2 कर देते हैं, यहाँ पे V1 कर देते हैं, सो व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस, आउटपुट इन दिस केस इज R2 by R1 एंड देन V2 इज पॉजिटिव एंड देन V1 इज नेगेटिव। So always remember this difference is basically based on the this node value. कि अगर positive वाली हमेशा positive रहेगी voltage और negative terminal पे जो लगाई है वो negative sign से represent होगी. Okay, and then this R2 by R1 represent what? R2 by R1 represent what? This is represent simply gain. कि मुझे amplification कितना मिल रहा है. Okay, so R2 by R1 आपका gain factor है जिससे आपको amplification मिल रहा है. So this proves that this circuit behaves as a differential amplifier. तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि हर एक application में आपके दो से तीन तरह के question बन सकते हैं. Either you have a question like write a notes on differential amplifier, या what is differential amplifier. Then you have to define this circuit and this solution. आपको output prove करना पड़ेगा. या आपको इस तरह का circuit given है. What is the functioning of this circuit? तो आप जब फंक्शनिंग कैसे बता पाओगे, जब आप इसका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लोगे, देन वी कैन समराइज द समरी ऑफ द सर्किट, ये सर्किट कर क्या रहा है. ओके, सो दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो हमने क्या पढ़ लिया, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, देन हमने इससे पहले जो पढ़ा था जो स्टार्ट किया था, दिस इज समिंग एम्पलीफायर, देन डिफरेंशियल एम्पलीफायर मीन्स एडर. अब अगर एडर की बात करिए तो मुझे सबट्रैक्टर भी चाहिए. सबट्रैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन अवर डिजिटल इन अवर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट. बेसिकली आपने पहले ही पढ़ा होगा कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एडर का ही यूज करते हैं. वो एडर ही हमारे तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है. सो सेम चीज यहाँ पे है. अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट पढ़ लिया है, दिस इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट एंड दिस इज द आउटपुट. तो इसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मीन्स R1 is equal to R2, देन व्हाट इज द कंडीशन बिकम. The condition simply becomes V0 is equal to V1 minus V2. Now what would you say? कि circuit क्या करेगा? ये circuit आपको output दे रहा है केवल input का difference. So in this case, this circuit becomes a voltage subtractor. The circuit becomes a voltage subtractor. So मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला अगर आप simply R1 और R2 को R से replace कर लेते हैं, सारे के सारे resistance R हो जाते हैं, then I can simply get this formula V0 is equal to V1 minus. In this case, this is called a voltage subtract. यहाँ पे केवल input voltage subtract हो रही है. But always remember the sign कि negative कौन सी voltage हुई है? Negative वही voltage हुई है जो कि हमारे inverting input terminal पे apply हुई. Okay? याद रहेगा? चलिए एक numerical देख लेते हैं इसके ऊपर. Simple सा numerical है. For the given circuit, calculate the output voltage. अब आपके पास ये given circuit है जिसमें मेरे पास -4.5 volt यहाँ लगा है, -4 volt यहाँ पे लगा है, यानी दोनों इनपुट अवेलेबल हैं. तो जहाँ दोनों इनपुट अवेलेबल है, that means ना इन्वर्टिंग है ना नॉन इन्वर्टिंग है, means ये सर्किट किस तरफ जा रहा है, ये सर्किट डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरफ जा रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट. बट डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एक और कंडीशन होती है क्या, कि ये जो रेजिस्टेंस है R1 दैट इज 100, ये 100 के इक्वल होना चाहिए जो कि है, और ये 4 kilo ohm, ये 4 kilo ohm के इक्वल होना चाहिए जो कि है. दैट मीन्स this circuit is absolutely equivalent to differential amplifier. Okay? अब अगर ये differential amplifier है और जैसे कि हमने proof कर चुके हैं what is the output of the differential amplifier, तो मैं इस circuit में अगर आपको याद है तो आप directly expression का use कर सकते हैं. Expression क्या था हमारा, R2 by R1 and what is the positive input over here, that is -4 volt. So this is -4 and then minus input के साथ कौन है, -4.5. तो ये क्या हो जाएगा, -4.5. ओके, सो दिस इज द आंसर जो मैंने पिछले बेस पे लिया है. तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, सो दिस इज R2 by R1, R2 की वैल्यू 4 किलो ओम. तो जैसा कि हमने बताया था किलो ओम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ओम में. तो दिस इज 4 × 10³ डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 100 ओम. तो आपने 100 से डिवाइड किया, देन दिस इज द वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल इज -4. Then
नेगेटिव टर्मिनल को मैं नेगेटिव के साथ ही रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली वी गॉट द आंसर 20 वोल्ट. बट ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू डिफरेंशियल एम्पलीफायर, बट अगर यहाँ पे 4 की जगह सपोज आपके 5 किलो ओम हो जाए, ठीक है, या 5 ओम हो जाए, या व्हाटएवर द वैल्यू अदर देन 4k, तो ये सर्किट डिफरेंशियल एम्पलीफायर नहीं रहेगा. उस केस में जैसा कि हमने प्रीवियस एनालिसिस करी है, हमें वही एनालिसिस रिपीट करनी पड़ेगी. हम पहले इस नोड की वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे बिकॉज दिस नोड इज ट्रांसफर्ड टू दिस नोड, देन नेगेटिव नोड पे केसे लगाएंगे, देन वी गॉट द आउटपुट. सो ये तो स्टेप हमारा बेसिक हमेशा ऑप एम्प में रहता है कि आप ऑनकमिंग के आउटपुट वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं. द फर्स्ट स्टेप नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज एंड देन द सेकेंड स्टेप नेगेटिव टर्मिनल केसीएल. ओके, सो after this I think you can understand now operational amplifier kya hota hai, operational amplifier kya hai and what are its application like summing amplifier, differential amplifier and subtractor. So aap inhi circuit ki wapas se practice kijiye, circuit ko yaad bhi rakhna hai, mujhe circuit ka expression derive bhi karna aana chahiye, that is a main important thing. Next lecture mein fir further applications ke sath aage padhenge operational amplifier ki, tab tak ke liye aap practice kijiye.